पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से राजनीतिक भूचाल आ चुका है। ममता बनर्जी ने अब अपने ही मंत्री को पार्थ चटर्जी को पद से हटा दिया है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन अभी तक इस छापेमारी में 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा 5 किलो सोना ईडी को मिला है। शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशक यानी ईडी के अधिकारियों को उत्तर परगना में अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया फ्लैट से 5 किलो सोने के अलावा 28 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। पश्चिम बंगाल के मशहूर शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशक यानी ईडी के अधिकारियों को उत्तर 24 परगना में अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया फ्लैट से 5 किलो सोने के अलावा 28 करोड़ रुपए की नकदी मिली है, जो अब कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि शौचालय से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ईडी के अधिकारियों ने अर्पिता मुखर्जी के बेलघोरिया फ्लैट पर बुधवार सुबह तक यानी करीब 18 घंटे तक छापेमारी की थी, जिससे यहां भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर करीब 5 किलो सोना ईडी को मिला है। इसके अलावा 28 करोड़ रुपए मिले हैं और इससे पहले भी 21 करोड़ रुपए ईडी पहले ही बरामद कर चुकी है। कुल मिलाकर अभी तक 50 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी की जा चुकी है। समाचार एजेंसी एनआई द्वारा साझा की गई तस्वीरों में ईडी के अधिकारियों ने तृणमूल कांग्रेस नेता और बंगाल की मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी सहयोगी मुखर्जी के आवास से बरामद नकदी और आभूषणों से भरी लगभग 10 ट्रक के 7 ट्रक को लूट किया गया है। ममता बनर्जी के मंत्री को हाल में ही ईडी ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल ईडी ने अब तक अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, बुधवार को हुई छापेमारी में ईडी को करीब 4.5 करोड़ रुपए का सोना भी प्राप्त हुआ है। इसमें आधा आधा किलो के सोने के 6 कंगन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ईडी ने अभी तक कई जगह छापेमारी की है, जहां से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम पिछले 1 हफ्ते से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भले ही आप तस्वीरों से पहले ना जानते हो, लेकिन जब से ईडी ने उनके ऊपर छापेमारी की है और भारी मात्रा में पहाड़ जैसा ढेर कैश उनके घर में मिला है, तब से अर्पिता मुखर्जी खबरों में बनी हुई है। उनके घर से 500 और 2000 के नोटों के बंडल मिले हैं, जिन्हें देखकर आप भी चकरा जाएंगे। देखिए किस तरह से पहाड़ जैसा ढेर जगह जगह से उनको मिल रहे हैं, उनके घर से मिल रहे हैं।